السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي له الحمد كله وله الشكر كله وله الفضل كله وله الثناء كله وله الحسن كله وله الجمال كله الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين هداية للعالمين ونورا للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على خلق الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم प्यारे भाई और दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ, अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बड़ाई। मेरे भाइयों, जो अल्लाह हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक और हमारा पालनहार, वो अल्लाह जो लोगों को ज़िंदगी भी अता फरमाता है और लोगों को मौत से भी दोचार करता है, वो अल्लाह जो लोगों को बीमार भी करता है और लोगों को बीमारियों से शिफा भी देता है, वो अल्लाह जिसने इस पूरी कायनात को बसाया इंसानों को आज़माने के लिए, उनका इम्तिहान करने के लिए, जिसने आखिरत के मैदान को, हश्र के मैदान को कायम किया लोगों को जजा और सज़ा देने के लिए, जिसने जन्नत बनाया ताकि मुत्तकियों को उनके नेक आमाल का बदला दे, जिसने जहन्नम बनाया ताकि गुनहगारों को उनके गुनाहों की सज़ा दे। मेरे भाई, वो अल्लाह हमारा खालिक है, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जिंदा है, पूरी कायनात को कायम रखने वाला है, जिसको ना ओंघ आती है ना नींद आती है, जिसने पूरी ज़मीन और पूरे आसमान और कायनात के एक एक चप्पे पर जिसकी हुक्मरानी है, वो अल्लाह जो एक है, वो अल्लाह जो बेनियाज है, वो अल्लाह जिसने किसी को जना है ना वो खुद किसी से जना गया, वो अल्लाह जिसने इस कायनात को बसाया, बनाया और उसके इस बनाने में कोई भी बंदा शरीक नहीं, उसका कोई साजी, कोई हमसर नहीं। मेरे भाइयों, कायनात की तमाम तारीफ, हमदो सना के तमाम जुमले उसी अल्लाह ताला को ज़ेबा हैं। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वसलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अलैहि। प्यारे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम है कि आज ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि आपके बीच आने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी मुनासिबत से, दावती मुनासिबत से कि मैं आपके सामने कुछ बातें कर सकूँ कुरान की आयात की रोशनी में, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लम की हदीस की रोशनी में। 5 साल से मुंबई में क़याम है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, पहला इत्तेफाक है आपके पास आने का। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र, उसके बाद अपने तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का, तमाम मुआमिनीन का और उन भाइयों का जो मुझे इस बुलाने में किसी भी हैसियत से शरीक रहे। मेरे भाइयों दोस्तों, मल लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो भाइयों दोस्तों, आप तमाम हजरात के सामने भी ऐलान किया गया कि मेरे खुतबे के लिए जो मौजू खास किया गया है वो है आयतुल कुर्सी की तफसीर, आयतुल कुर्सी की तफसीर। मेरे भाइयों दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला बड़े इख्तिसार के साथ इसी आयत के हवाले से, इस आयत के बुनियादी पैगाम के हवाले से, इस आयत में अल्लाह ताला ने किन किन मजामीन पर बहस की है, किन किन मौजूआत पर अल्लाह ताला ने बहस की है, ये आयत अपने अंदर कौन कौन से मानी के ख़जाने समोए हुए है, इंशाअल्लाह ताला बड़े इख्तिसार के साथ इस पर हम बहस करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद की आयतों में से एक आयत है आयतुल कुर्सी, और तमाम उलमा के इत्तेफाक के साथ, तमाम उलमा की इजमा के साथ कुरान करीम की सबसे अफजल आयत है, इसमें किसी आलिम का इख्तलाफ़ नहीं। बाकायदा मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लम ने सहाबे कराम से सवाल किया एक भरी मजलिस में कि मेरे सहाबा, आप ये बताइए कि कुरान करीम की सबसे अफजल आयत कौन सी है। हज़रत उबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हाफिज़े कुरान हैं, क़ारी कुरान हैं, बल्कि सैयदुल कुर्रा का उन्हें खिताब मिला है, उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि कुरान करीम में सबसे अफजल आयत कौन सी है।
उन्होंने जवाब नहीं दिया मेरे भाइयों। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया, यही सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया। उबै बिन काब समझ गए कि लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जवाब का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, उन्होंने फौरन बिला तामुल, बिला तदब्बुर, बिला वक्फा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत, सबसे आला आयत, सबसे अफजल आयत, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा आयत आयतुल कुर्सी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब से इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिया नकल इल्म या अबुल मुंदिर, लिया नकल इल्म या अबुल मुंदिर, ए अबुल मुंदिर, ए उबै बिन काब, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए। और उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले सहाबा को बताया नहीं था कि मैं तुमसे एक दिन सवाल करने वाला हूं, तुम तलाश करके आना, गौर करके आना, कुरान मजीद में तदब्बुर करके आना, मैं तुमसे सवाल करूंगा कि सबसे अफजल आयत कौन सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल अचानक किया था। आप गौर कीजिए कि मेरे भाइयों, उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के आने के बाद मौका नहीं मांगा तदब्बुर करने का, मौका नहीं मांगा गौर व फिक्र करने का, बल्कि फौरन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल हुआ, फौरन उन्होंने जवाब दे दिया। एक बात और गौर कीजिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक आयत के बारे में पूछा था। कुरान करीम में एक आयत ऐसी बतलाइए जो सबसे अफजल आयत हो। अब उनको 10-20 आयतों में से एक आयत नहीं निकालनी थी, 100-200 आयतों में से एक आयत नहीं निकालनी थी, 6000 से ज्यादा आयत में से एक आयत को निकाल के बताना था कि यही सबसे अफजल आयत है, सबसे अफजल। आप अंदाजा कर सकते मेरे भाइयों कि सहाबे किराम कुरान मजीद में कितना ज्यादा गौर फिक्र करने वाले थे। हालांकि अल्लाह ताला ने इस बारे में कोई आयत भी नाजिल नहीं फरमाई थी, ना प्यारे नबी सल्लम ने सहाबे किराम को इस बारे में पहले बताया था कि आयतुल कुर्सी सबसे अफजल आयत है, लेकिन उसके बावजूद भी उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तफक्कुर और कुरान मजीद में तदब्बुर का मेयार कितनी इंतहा को पहुंचा हुआ था कि उन्होंने फौरन जवाब दे दिया, अल्लाह के नबी सल्लम यह आयतुल कुर्सी है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अलहम्दो से लेकर के वन्नास तक आप पूरे कुरान करीम का मुताला करोगे तो अल्लाह ताला ने तीन मजामीन पर बहस की, पूरा कुरान करीम इन्हीं तीन अरामीन का, तीन मौजूआत का खुलासा है। क्या मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ताला ने उसमें अखबार और कसस बयान किए, अखबार और कसस यानी ह्यूमन हिस्ट्री हम कह सकते हैं उसको, कि अल्लाह ताला ने गुजरे हुए जो अकवाम है उनकी तारीख बयान की है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने इस्लाम के अहकाम और मसाइल बयान फरमाए, और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान किया है, तौहीद को, मारिफते बारी ताला, तौहीद बारी ताला, अल्लाह ताला ने अपनी जात का तारुफ कराया। पूरा कुरान करीम अलहम्दो से लेकर के वन्नास तक आप पढ़ जाइए, इन्हीं तीनों मौजूआत पर कुरान करीम की एक हिकायत भरी पड़ी है। या तो नबियों का किस्सा और अक्वाम आलम की तारीख बयान की गई है, या तो इस्लाम के अहकाम व मसाइल उसमें बयान किए गए हैं, या तो अल्लाह ताला ने अपनी जात का तारुफ कराया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवाल किया तो उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिमाग अहकाम वाली आयतों पर नहीं गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अकल उन आयतों पर नहीं गई जिसमें अल्लाह ताला ने नबियों के किस्से, नबियों के अखबारात बयान फरमाए। हालांकि वो भी अजीब अजीब आयत हैं कि अगर बंदा सुन ले तो कलेजा हिल जाए, उसका कलेजा हिल जाए, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं और पैरों तले जमीन खिसकने लगे। ऐसी सी आयत है कुरान मजीद में जो अहकाम व मसाइल के मुतालिक हैं और नबियों के अखबारात के मुतालिक हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उबै बिन काब रज़ी अल्लाह ताला समझते थे कि दुनिया की सबसे अजीम दौलत तौहीद की दौलत है, इसीलिए फौरन उनका दिमाग तौहीद वाली आयत पर गया। तौहीद वाली आयत पर अहकाम मसाइल के बजाय, अखबार और कसस के बजाय उनका दिमाग फौरन तौहीद वाली आयत पर गया। और कुरान मजीद में कई आयत में अल्लाह ताला ने तौहीद पर बहस की है, और सबसे ज्यादा अगर तौहीद पर किसी एक आयत के अंदर बहस की गई है तो वो है आयतुल कुर्सी। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद की हर आयत में तौहीद पर बहस की है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तौहीद की बात किसी एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जमा कर दी है तो वो है आयतुल कुर्सी। इसलिए मेरे भाइयों, बाज़ उलमा ने आयतुल कुर्सी को बराहीनुत तौहीद कहा है, दलाइलु तौहीद, यानी एक ये ऐसी आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के हैरान कुन दलाइल दिए हैं, हैरान कुन। और अभी मैं आपके सामने वाजे करूंगा मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को साबित करने के लिए 12 दलाइल दिए हैं, 12 दलाइल, और वो सारे दलाइल अकली हैं, हिस्सी हैं, फितरी हैं, मुशाहदाती हैं। सारे जो दलाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए या तो अकल को मुखातिब करती हैं, या तो हमारे फितरत को मुखातिब करती हैं, या तो हमारे आँख को मुखातिब करती हैं कि कायनात में गौर करो, मुशाहदा करो,
इन्हीं सारे दलाइल पर अल्लाह ताला ने बहस करके अपनी तौहीद को साबित किया है, अपनी तौहीद को अल्लाह ताला ने साबित किया। इसीलिए उलमा ने आयतुल कुर्सी को दलाइलुत तौहीद और बराहिनुत तौहीद के नाम से याद किया है। मेरे भाई और दोस्तों, जहां इस सूरा की बहुत ज्यादा अहमियत है, वहीं सूरा की बहुत ज्यादा फजीलत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत में बहुत सारी हदीसें बयान फरमाई। मेरे पास वक्त नहीं कि फजीलत की गहराइयों में आपके सामने घुसूं। आप मेरे भाई इख्तसार के साथ आप ये बात जान लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को सुबह और शाम के अस्कार में भी शामिल फरमाया, सुबह और शाम के अस्कार में। और बहुत सारी हदीसें इस पर दलालत करती हैं। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में यह भी मालूम होता है कि जब बंदा रात को सोने लगे तो रात को सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए। ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस तरह से मेरे भाई और दोस्तों, ये आयतुल कुर्सी की अहमियत और आयतुल कुर्सी की मुख्तसर फजीलत है। आयतुल कुर्सी है क्या मेरे भाई? अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में सबसे पहले एक दावा किया है। अल्लाह ताला ने एक दावा किया है और उस दावे को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने लगातार 12 दलाइल दिए। दावा क्या है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह ताला ने दावा किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये अल्लाह का दावा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे भाइयों, ये कलमा एक ऐसा कलमा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि ए लोगो, खैरुन खैरुन मा कुल्तुहु अना मन नबिगोन मिन कबली ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगो, ये कायनात का सबसे अजीम कलमा है, कायनात का सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल कलमा है जिसको मैंने कहा और नबियों ने अपने अपने दौर में कहा। वो कौन सा कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी सबसे अफजल आयत से अल्लाह ताला ने, सबसे अफजल कलमे से अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी का आगाज किया है। इससे आप इसकी आयतुल कुर्सी की अहमियत का अंदाजा कीजिए। सबसे अफजल कलमे से अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी का मेरे भाई और दोस्तों आगाज किया और उसकी सदारत अल्लाह ताला ने की है। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा कलिमा है जिस कलिमे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बसाया है। ये जो पूरी कायनात वजूद में आई है, सिर्फ इसी एक कलिमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने पूरी जमीन, पूरी कायनात, पूरा निज़ाम कायनात अल्लाह ताला ने इसी एक कलिमे की बुनियाद पर सजाया और बसाया है। मेरे भाइयों, हम लोग आयत करीमा बहुत सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हकीकत में वहाँ इबादत नहीं मुराद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इल्ला लियुहिदून, ताकि लोग मेरी तौहीद को कायम करें। अल्लाह ताला ने तौहीद के लिए बंदों को पैदा फरमाया है, खालिस इबादत के लिए अल्लाह ताला ने बंदों को इस दुनिया में पैदा फरमाया है। इस दुनिया में चाहे वो जिन्नात हो या इंसान हो या फरिश्ते हो, फकत अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह को साबित करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए और उसको कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला इस कायनात को खत्म भी फरमाएंगे। कायनात का आगाज इसी कलमे की बुनियाद पर हुआ और कायनात का इख्तिताम भी इसी कलमे की बुनियाद पर होगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या बयान फरमाया कि जब इस धरती पर, इस कायनात पर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी ना होगा, कहने वाला ना होगा, तो अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा और कयामत आ जाएगी, इसी कलमे के ना होने की बुनियाद पर। मेरे भाइयों, इसी कलमे के मुतालिक कब्र में सबसे पहला सवाल होता है। इसी कलमे की बुनियाद पर कयामत के मैदान में हिसाब व किताब होगा। जिसके पास ये कलमा होगा, अल्लाह ताला उसका हिसाब व किताब करेंगे, और जिसके पास ये कलमा नहीं होगा, असल में उसका हिसाब व किताब होगा ही नहीं, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। वला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया? जो तौहीद का कायल नहीं रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी नहीं रहा, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को, उसके गुनाहों को मीज़ान पर तोलेंगे ही नहीं, वजन ही नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उनका ठिकाना जहन्नम है। ये इस कलमे की अजमत है, ये इस कलमे का मकाम है। इसी कलमे से अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी का आगाज फरमाया और ये दावा अल्लाह ताला ने किया कि ऐ इंसानों, मैं ही तुम्हारा माबूद हूं। पहले क्या अल्लाह ताला ने कहा? अल्लाहु ला इलाहा। इस कलमे मेरे भाइयों दो जुज हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। आपको पहले अपने जबान से इकरार करना है कि इस दुनिया में कोई माबूद है ही नहीं, इनकार करना है, और उसके बाद इल्लल्लाह कह करके आपको सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना है। पहले अल्लाह ताला, दिल में जो गलाजतें हैं, दिल में जो गंदगियां हैं, गैरों के ताल्लुक से जो मोहब्बत हैं, या इसी तरह से जो माबूदान बातला हमारे दिलों में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, अल्लाह ताला पहले चाहते हैं वो दिल से निकाला जाए। जब दिल को आप साफ कर लो, ला इलाहा का इकरार कर लो, तब इल्लल्लाह का अकीदा अपने दिल में बसाओ कि इस कायनात में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा माबूद है। मेरे भाइयों, जैसे किसान किसानी करता है तो डायरेक्ट खेत में बीज नहीं डाल देता है,
बल्कि उस खेत में जो गंदगियां हैं या इसी तरह से जो झाड़ियां और फूस हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पहले मेरे भाई और दोस्त को उसको हाथ से वो निकालता है और जब खेत को अच्छी तरह से साफ कर देता है तब जा करके उसमें बीज डालता है और वही बीज कारगर होती है, वही बीज फसल अच्छी लाती है। तो पहले आपको दिल से वो सारी गलादतें सारी गंदगियां निकालना है और आपको अपने दिल से सारे माबूदाने बातला को निकाल करके उसके बाद एक अल्लाह की वहदानियत को अपने दिल में कायम करना है। तो मेरे भाइयों ये अल्लाह ताला का दावा है। अब अल्लाह ताला ने दावा किया लेकिन मेरे भाइयों उसके बाद अल्लाह ताला ने लगातार दलाइल दिए कि मैं तो तुम्हारा माबूद हूं लेकिन आखिर तुम्हारा माबूद क्यों हूं, मेरे अंदर वो कौन कौन सी सिफात हैं, मेरे अंदर वो कौन कौन सी खसूसियात हैं कि तुम्हें सिर्फ मुझे अपना माबूद मानना चाहिए, दुनिया में तुम्हें किसी और को माबूद नहीं मानना है। सबसे पहली दलील अल्लाह ताला की तौहीद को साबित करने के लिए सबसे पहली दलील अल्लाह ताला ने दी, अल हय, अल्लाह जिंदा है। मेरे भाइयों अल्लाह जिंदा है इसी वजह से अल्लाह हमारा माबूद। कैसा जिंदा है? हमेशा से अल्लाह ताला जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। और अल्लाह की जिंदगी अल्लाह की हयात ऐसी है जिसमें न जर्रा बराबर नक्स है न जर्रा बराबर कमी है। अल्लाह ताला हमेशा से हुवल अव्वल फलैस क़ब्लहु शय, अल्लाह अव्वल है उससे पहले कुछ नहीं था, अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। हुवल आखिरु वलैस बादहु शय, और अल्लाह ताला ही आखिर है उसके बाद भी कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है। और मेरे भाइयों हम इंसान हैं, हम भी जिंदा हैं लेकिन हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला की जिंदगी में फर्क है। यही देखिए, यहीं से उबूदियत का और मेरे भाइयों दोस्तों वहदानियत का मजहर होता है, जाहिर होता है। क्या अल्लाह ताला को हम माबूद क्यों मानते हैं? कि अल्लाह जिंदा है लेकिन हम भी तो जिंदा हैं। लेकिन हमारी जिंदगी अल्लाह ताला की जिंदगी में तीन बड़े बड़े फर्क है। कौन से फर्क मेरे भाइयों? हम भी जिंदा हैं लेकिन एक जमाना था कि हम जिंदा नहीं थे। एक जमाना था कि हमको आदम लाहिक था, हम पैदा हुए हैं। एक जमाना था कि हम जिंदा नहीं थे लेकिन अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क, एक जमाना ऐसा आएगा कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाइयों अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बयान फरमाया, वतवक्कल अलल हक अल्लज़ी ला यमूत, वतवक्कल अलल हक अल्लज़ी ला यमूत, उस जात पर भरोसा करो, उस अल्लाह ताला पर भरोसा करो, उस जिंदा अल्लाह पर भरोसा करो जिसको मौत नहीं आने वाली। अल्लाह को मौत नहीं आएगी, तो अल्लाह ताला को मौत नहीं आएगी, हमें मौत आ जाएगी। और मेरे भाइयों तीसरा फर्क क्या है? हमारी जिंदगी में नक्स है, हमारी जिंदगी में ऐब है, हमें बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती हैं, ज़हनी उलझनी होती हैं और न जाने कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से टेंशन। अल्लाह ताला की जिंदगी, अल्लाह ताला की हयात इन सारी चीजों से पाक, अल्लाह ताला की हयात, अल्लाह ताला की जिंदगी इन सारी चीजों से पाक है। इसीलिए अल्लाह ताला अल हय है, अल्लाह ताला अल हय है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हय हो कि हमेशा से जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहे और उसकी जिंदगी उसकी हयात में जर्रा बराबर कोई नक्स ना हो, कोई कमी ना हो, मेरे भाइयों वही अल्लाह असल में इबादत के लायक है। हमारी अकल भी बात कहती है, हमारी अकल भी। दुनिया में जिनको लोगों ने माबूद बनाया है आप देख लीजिए मेरे भाइयों दोस्तों, या तो वो कभी जिंदा नहीं थे, या तो आज जिंदा है कल मर जाएंगे, या तो असलन वो जिंदा ही नहीं। जैसे आज बहुत सारे लोग अपने वलियों को, अपने बाबाओं को मेरे भाइयों दोस्तों खुदाइयत का और इसी तरह से खुदाइयत का उन्होंने दर्जा दिया, लेकिन एक दौर था कि वो जिंदा नहीं थे, उन पर हय का इतलाक नहीं, वो जिंदा नहीं थे। और इसी तरह से एक दौर ऐसा आएगा कि वो मर जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग नबियों की पूजा करते हैं, नबियों की परस्तिश करते हैं और इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मानते हैं, आज नबी चले गए, जिंदा नहीं। और मेरे भाई और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी चीज़ों की ऐसी इबादत की जाती है कि असल में वो जिंदा ही नहीं है। जैसे जमादात हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सूरज हैं, चाँद हैं। अल हय बयान करके अल्लाह ताला ने शिर्क के सारे मज़ाहिर का अल्लाह ताला ने रद्द फरमा दिया है। जिन लोगों को भी अल्लाह को छोड़ करके इबादत की जाती है, अल हय के जरिए से अल्लाह ताला ने शिर्क के सारे मज़ाहिर का रद्द फरमा दिया कि आप जिसकी भी इबादत कर रहे हो, या अगर वो जिंदा है तो पहले मुर्दा था, और अगर आज वो जिंदा है तो कल मर जाएगा, और अगर जिंदा है तो उसकी जिंदगी में नक्स है, या तो असल में वो जिंदा ही नहीं है। और जो असल में जिंदा ना हो उसकी इबादत कैसे हो सकती है, उसकी इबादत कैसे हो सकती है? और जब अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है, हमेशा रहेगा, तो ऐ लोगों सिर्फ अल्लाह ताला की इस धरती पर इबादत होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली दलील दी है अपनी तौहीद को साबित करने के लिए कि मुझे सिर्फ तुम्हें मेरी इबादत क्यों करनी है। दूसरी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अल कय्यूम, अल्लाह ताला कायम रखने वाला है। अल हय के बाद अल कय्यूम, अल्लाह ताला हमारा माबूद क्यों है मेरे भाइयों? अल्लाह ताला को हम अपना माबूद क्यों मानते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला अल हय भी है और अल्लाह ताला अल कय्यूम भी है। कय्यूम का क्या मतलब है मेरे भाइयों? कय्यूम का मतलब है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद कायम है
और पूरी कायनात को भी कायम रखने वाला है। हम खुद ब खुद कायम नहीं है, हम अल्लाह ताला के सहारे के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे सहारे का मोहताज नहीं है। और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को अकेले कायम करके रखा है। और कुरान करीम में मेरे भाइयों, इस आयत करीमा की तफसीर में कई आयात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। एक जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमिन आयातिही अन तकूम अस्समाउ वल अर्दु मिन अम्रिही, उसकी निशानियों में से हैं कि जमीन और आसमान सब अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है। अल्लाह ताला ने कायम किया जमीन आसमान को, सब अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है। एक जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला ही की जात है जिसने आसमान को मेरे भाई और दोस्तों जायल होने से, जवाल होने से, गिरने से कायम रखा है। अगर अल्लाह ताला कायम नहीं रखता तो ये आसमान, ये जमीन गिर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अल कय्यूम है कि उसी ने पूरी आसमान, पूरी जमीन, पूरी कायनात को कायम किया हुआ है। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाएगा, तो ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद सब खत्म हो जाएंगे। चूंकि अल्लाह ताला अपना फैसला बदल लेगा, अब अल्लाह ताला पर जो क़याम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है, वो क़याम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला हटा लेंगे, ये आसमान भी खत्म हो जाएंगे, इस जमीन को कूट करके बराबर कर दिया जाएगा, चांदों और सूरज की रोशनी को खत्म करके अल्लाह ताला चांद और सूरज को पकड़ करके जहन्नम के अंदर डाल देंगे, और मेरे भाइयों पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, समंदरों में आग लगा दी जाएगी, और कायनात के सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया जाएगा। चूंकि अल्लाह ताला ने अब क़याम की जो जिम्मेदारी ली थी, वो क़याम की जिम्मेदारी हटा ली। अभी जो जमीन, जो आसमान, जो सूरज, जो चांद, जो दरिया, जो पहाड़ सब कायम है, सब अल्लाह ताला की मर्जी से कायम है, अल्लाह ताला ने कायम करके रखा है, तब ये सारी चीज़ें कायम है। जिस दिन अल्लाह का फैसला आ गया, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, जिस अल्लाह का पावर इतना बड़ा हो कि वो जिंदा हो, और जिस अल्लाह का पावर इतना बड़ा हो कि पूरी कायनात को अकेले कायम रखने वाला हो, क्या लोगों के लिए जायज़ है कि उस अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत करें? आप हर दलील को इस आयतल कुर्सी के पहले जुमले से मिलाइए, तब इस आयत की मानवीयत आपको समझ में आएगी। मेरे भाई और दोस्तों, क्या किसी बंदे के लिए जायज़ है जिस अल्लाह के पास इतनी बड़ी ताकत हो कि हमेशा से जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहे, पूरी कायनात को अकेले कायम रखने वाला हो, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर की इबादत करना जायज़ है? हमारी अकल भी ये बात कहती नहीं, उसके अलावा किसी और की इबादत जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो दावा किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, क्यों नहीं माबूद है? इसलिए कि वही हय है, वही कय्यूम है। ये दूसरी दलील है। तीसरी दलील मेरे भाई, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अपने को माबूद साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने तीसरी दलील दी है कि अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना अल्लाह ताला को नींद आती है। क्या मतलब मेरे भाइयों? आप देखिए, अल्लाह ताला ने जब ऊंघ से फरमा दिया कि अल्लाह को ऊंघ नहीं आती है, तो ये कोई जरूरत नहीं थी कि अल्लाह ताला नींद का तज़किरा फरमाता, जरूरत थी? इसलिए कि ऊंघ ये नींद से छोटी होती, जिसको ऊंघ ना आए उसको नींद कैसे आ सकती है? लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लाह को ना ऊँघ आती है ना अल्लाह ताला को नींद आती है। क्यों? बहुत सारे इंसान दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो बगैर ऊँघ के भी सो जाते हैं, उनको डायरेक्ट नींद आ जाती है, ऊँघते नहीं हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों की नफी फरमाई, ताकि कोई बंदा ये ना सोच ले अल्लाह ताला को ऊँघ तो नहीं आती है लेकिन नींद आती है, या कोई बंदा ये ना सोच ले अल्लाह ताला को नींद तो नहीं आती है लेकिन ऊँघ आती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों का नाम लेकर के जिक्र फरमाया, ना अल्लाह को ऊँघ आती है ना नींद आती है। अच्छा मेरे भाइयों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि अल्लाह को ना ऊँघ आती है ना नींद आती है? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है, अल्लाह ताला की ज़ात कामिल है, अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब से, हर नक्स से, हर बुराई से पाक है। और नींद का आना, ऊँघ का आना, ये एक नक्स है, एक ऐब है। और ये ऐब, ये नक्स इंसान के अंदर पाया जाता है। अल्लाह ताला इन सारे अयूब से पाक है, इसीलिए अल्लाह ताला को न ऊँघ आती है न नींद आती है। अगर अल्लाह ताला को ऊँघ आने लगे, अल्लाह ताला को नींद आने लगे, तो नऊज़ बिल्ला, अल्लाह ताला के अंदर नक्स लाजिम आ जाएगा, और अल्लाह ताला सारे नकाइस से, सारे अयूब से पाक है, अल्लाह ताला सारे वजूद से पाक है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में बयान फरमाया कि ऐ लोगो, इन्नल्लाहु ला यनाम वला यंबगी लहु अन यनाम, अल्लाह ताला सोता नहीं है और ना उसके लिए मुनासिब ही है कि अल्लाह सोए। अल्लाह सोता नहीं है ना उसके लिए मुनासिब है कि अल्लाह ताला सोए। अल्लाह ताला सो जाएगा तो इस कायनात की रखवाली कौन करेगा? इस कायनात की हिफाजत कौन करेगा? जमीन व आसमान को कायम कौन करेगा? इसलिए अल्लाह ताला ना सोता है ना अल्लाह की शायान शान है कि अल्लाह ताला सोए। इसलिए कि सोना एक नक्स है, और मेरे भाई और दोस्तों, जागना एक कमाल है। तो अल्लाह ताला ने पहले कहा अल्लाह जिंदा है, अल्लाह पूरी कायनात को कायम रखने वाला है, फिर अल्लाह की जिंदगी कैसी है उसकी तफसीर में अल्लाह ने बयान फरमाया, इंसानों तुम भी जिंदा हो, तुमको नींद आती है, नक्स आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ऊंघ और नींद भी नहीं आती है। जो अल्लाह इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है कि उसको ऊंघ ना आए, नींद ना आए, मेरे भाइयों, क्या उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत की जा सकती है? किसी और की इबादत की जा सकती है? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। एक बात आपको बताऊं इसी आयत करीमा के हवाले से मेरे भाइयों, की जन्नत में भी नींद नहीं होगी। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जब अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे,
तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को मुकम्मल कामिल बना करके अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, उनकी जिंदगी भी बिल्कुल कामिल और मुकम्मल होगी। और अगर जिंदगी में नक्स रहेगा तो उनकी जिंदगी में नींद रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला किसी की जिंदगी में नक्स नहीं रखेंगे बल्कि जिंदगी को मुकम्मल करके अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत में अहले जन्नत को नींद नहीं आएगी, और ना कुरान करीम में कोई ऐसी आयत है। कुरान करीम में तस्करा मिलता है इत्तेका का कि जन्नत जन्नती लोग टेक लगाए होंगे। कुरान करीम में तस्करा मिलता है कैलूले का, जन्नती कैलूला करेंगे। कुरान करीम में तस्करा मिलता है जुलूस का कि जन्नती बैठे होंगे, लेकिन कुरान करीम में कहीं तस्करा नहीं मिलता है कि जन्नती लोग सोएंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है जिसके इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सिलसिला सहीहा मेरे नकल फरमाया। वो बयान फरमाते हैं कि मेरे भाई और दोस्तों, अन नौमु अखुल मौत व अहलुल जन्नति ला यनामु, ये जो नींद है मौत की भाई है, या तो यूं कह लो मौत की बहन है, और अहले जन्नत सोएंगे नहीं। इसलिए कि मौत से अल्लाह ताला उनको पाक फरमा दिया है और ये मौत की बहन है, लिहाजा जन्नती लोग नहीं सोएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, सही कौल के मुताबिक सलफ के आसार को सामने रखते हुए, हदीसों को सामने रखते हुए, कुरान करीम की आयतों को सामने रखते हुए जो बात समझ में आती है, और कयास भी ये बात कहती है कि जन्नत में जन्नतियों को नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मेरे भाई? इसलिए इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने इस नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया कि दुनिया में बंदा थकता है, काम करता है, मेहनत करता है, उसको थकन लायक हो जाती है। जब थकन उसको लाइक होती है तो उसको नींद की ज़रूरत पड़ती है। जन्नत में कोई काम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई थकन नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ताला बंदों को नींद की हाजत से, नींद की ज़रूरत से आज़ाद कर देंगे, उसको नींद आएगी नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और देगर सहाबे किराम का और बहुत सारे असलाफ़ का ये कौल है कि अहले जन्नत को जन्नत में नींद नहीं आएगी। और नींद का आना एक नक्श है। अल्लाह ताला जन्नतियों को सारे नक्श से पाक करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, जिस तरह से अल्लाह ताला सारे नुकूस और सारे अयूब से पाक है, अल्लाह ताला को नऊंघ आती है, नींद आती है, ऐसे मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला अहले जन्नत को सारे नकायस और सारे अयूब से पाक करके जन्नत में अल्लाह ताला दाखिला फरमाएंगे। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला को नऊंघ आती है, नींद आती है, इसीलिए अल्लाह ताला हमारा माबूद है और उसी एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उसके बाद चौथी दलील अल्लाह ताला ने दी कि मैं तुम्हारा माबूद क्यों हूं। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान पर मुकम्मल मिल्कियत अल्लाह ताला की है। मेरे भाइयों, जमीन और आसमान पर मुकम्मल मिल्कियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जैसा चाहे इस जमीन के, इस कायनात के निजाम को चलाए, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अल्लाह ताला के इस निजाम में दखल अंदाजी कर सके, या किसी के अंदर हिम्मत हो कि अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज कर सके, या किसी के अंदर हिम्मत हो, किसी के अंदर पावर हो कि अल्लाह ताला के फैसले को बदल सके। लहू मुल्क समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की इस जमीन और आसमान पर मुकम्मल मिल्कियत है। आप तो कह सकते हैं बहुत सारे लोग मालिक हैं जमीन के खित्तों के, कोई हिंदुस्तान का मालिक, कोई फला का मालिक, कोई फला जगह का मालिक, कोई पैसे का मालिक, नहीं कि मेरे भाइयों, ये वक्ती मिल्कियत है, ये वक्ती मिल्कियत है, चंद दिनों के लिए। और ये जो मिल्कियत है, अल्लाह ताला ने उन्हें चंद दिनों का मालिक बनाया है, डायरेक्ट उन्होंने मिल्कियत हासिल नहीं की है। इस कायनात पर, जमीन और आसमान पर अल्लाह ताला की मिल्कियत है, और चंद दिनों के लिए अल्लाह ताला जिसको चाहता है मालिक बना देता है। तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तो जिसको चाहता है बादशाहत अता कर देता है, और जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता बादशाहत का मालिक बना देता है, और जिससे चाहता अल्लाह ताला छीन लेता है। अल्लाह ताला ने लोगों को मालिक बनाया है, किसी इंसान की इस कायनात पर जर्रा बराबर मिल्कियत नहीं है। जिसको औलाद देना है ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसी औलाद छीनना है अल्लाह की मिल्कियत है, किसको जिंदा रखना ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसको मारना ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है, कब बारिश का नुज़ूल फरमाना ये अल्लाह की मिल्कियत है, कब कहा साली नाजिल फरमाना है ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है, कब जालिम हुक्मरानों को मसल्लत फरमाना है ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है, और कब आदिल हुक्मरानों को भेजना है ये अल्लाह की मिल्कियत है। हर जगह चप्पे चप्पे में, कायनात के एक एक कोने में, हर जगह मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला की मिल्कियत है। लहू मुल्क समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान पर मुकम्मल मिल्कियत अल्लाह ताला की। अब आप बताइए, जो अल्लाह पूरे कायनात का, पूरे जमीन का, पूरे आसमान का मालिक हो, क्या उस अल्लाह को छोड़कर के किसी गैर की इबादत की जा सकती है? नहीं मेरे भाइयों, पता नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। वही अल्लाह इबादत के लायक है, उसके अलावा दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं। तो लहू मुल्क समावाति वल अर्द, इस जमीन पर, इस आसमान पर, इस कायनात पर अल्लाह ताला की मुकम्मल मिल्कियत है। पांचवी दलील अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले साबित किया मैं जमीन का बादशाह हूं, उसके बाद मेरे बादशाहत में कितना पावर है, मेरी बादशाहत में कितनी ताकत है, आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो ज़ात, कौन है वो ज़ात जो अल्लाह के सामने आकर के बगैर अल्लाह की इजाजत के अल्लाह के सामने सिफारिश कर सके, कौन है वो ज़ात? गोया कि जैसे हम कहते हैं मेरे भाइयों, हकीर समझ करके, कौन है वो ज़ात, बिल्कुल यही लहजा अरबी का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, कौन है वो ज़ात, यानी अल्लाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं,
किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, तो कौन है वो ज़ात जो अल्लाह के सामने आकर के अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। ये क़यामत की होलनाकियाँ और क़यामत के मंजर के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमाया कि किसी की हिम्मत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाह है और उस बादशाह में इतना ज़्यादा डर है लोगों के लिए, इतना ज़्यादा खौफ है लोगों के लिए कि किसी की हिम्मत नहीं कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर अल्लाह से बात कर सकें, अल्लाह से सिफारिश कर सकें, अल्लाह ताला से शिफात कर सकें। मेरे भाइयों, अल्लाह दुनिया में बहुत सारे बादशाह होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बंदा अगर बादशाह बन जाए तो उसका खौफ भी दुनिया वालों पर हो, ये ज़रूरी नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी का इजाला किया, मैं बादशाह हूँ और मेरा खौफ, मेरा तसल्लुत भी कायनात के एक एक चप्पे पर और कायनात के एक एक इंसान पर है। ऐसा मत समझो कि अल्लाह ताला के खौफ से कोई आज़ाद हो सकता, नहीं, कोई भी आज़ाद नहीं। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ और इस दहशतनाकी के बारे में हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाया कि कल क़यामत का जब दिन होगा तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से, अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करने से, अल्लाह ताला के बड़े बड़े बंदे, अल्लाह ताला के नेक बंदे, वो सब अल्लाह के सामने जाने से डरेंगे। मेरे भाइयों, उबूदियत के चार मरतबे हैं, उबूदियत के चार मरतबे हैं। एक मरतबा है सालहियत का, एक मरतबा है मेरे भाइयों दोस्तों शहादत का, एक मरतबा है सिद्दीकियत का, और एक मरतबा है नबूवत का। ये उबूदियत का सबसे आला मरतबा है, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। उबूदियत का सबसे आला मरतबा जो है नबूवत। अल्लाह ताला अगर किसी को नबी बना दे तो अल्लाह के नज़दीक वो सबसे महबूब है। उसके बाद अगर कोई सिद्दीक है तो अल्लाह के नज़दीक वो महबूब है। उसके बाद अगर कोई शहीद हो गया तो अल्लाह के नज़दीक वो महबूब है। और चौथे नंबर पर उबूदियत का जो मरतबा है, कोई सालेह और कोई अल्लाह का वली है। और हर हमें से हर कोई अल्लाह का वली बन सकता है। अल्लाह ताला ने उसके सामने ऐसे वसाइल रखे हैं कुरान हदीस पर मुकम्मल तौर से अमल करके और सुन्नतों का एक एक चीज़ का ख्याल करके अल्लाह का वली बन सकता है। और क्या पता हमें से कोई अल्लाह का वली हो और हम ना जानते हो सकता है। तो ये उबूदियत के चार मरतबे हैं, सबसे आला मरतबा नबूवत का है। लेकिन मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा कीजिए कल क़यामत का जब मैदान होगा तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करते रहे और ज़र्रा बराबर अल्लाह की नाफरमानी ना की, वो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेंगे, अल्लाह ताला के सामने जाने से डरेंगे। अल्लाह ताला की बादशाहत और अल्लाह ताला की, मेरे भाई और दोस्तों, पकड़ और अल्लाह ताला का कहर, अल्लाह का गज़ब और खौफ इस कदर नबियों पर छाया होगा कि कोई नबी अल्लाह के सामने जा करके सिफारिश करने की हिम्मत ना कर सकेगा। चाहे वो आदम हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे मूसा हो, चाहे ईसा अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम हो, मेरे भाइयों, हत्ता की प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह ताला जब इजाज़त देंगे तब जा करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने बयान फरमाया, कौन है वो जो अल्लाह के सामने जाकर के सिफारिश कर पाए बगैर अल्लाह की इजाजत के? जिसको अल्लाह इजाजत देगा वो जाकर के अल्लाह के सामने सिफारिश कर पाएगा, वो जाकर के। और एक बात आप जान लीजिए कि अल्लाह ताला इजाजत नबियों को देगा, और किसके बारे में देगा? जिससे अल्लाह खुश हो उन्हीं के बारे में इजाजत देगा। और हदीस में बताया गया अल्लाह ताला सिर्फ अहले तौहीद से खुश होगा। अहले तौहीद से गोया कि मैं कह सकते हैं सिफारिश के लिए नबी जिसका इंतखाब फरमाएंगे वह अहले तौहीद होंगे। उसके अलावा किसी के लिए क़यामत के मैदान में सिफारिश कबूल न की जाएगी, न किसी नबी की हिम्मत होगी कि अहले तौहीद के अलावा, मुहिदीन के अलावा, वो किसी के लिए सिफारिश कर पाएँ। इसीलिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो ज़ात जो अल्लाह ताला के सामने आकर के सिफारिश कर पाए बगैर अल्लाह ताला की इजाज़त के? तो मेरे भाइयों, जिस अल्लाह की पकड़, जिस अल्लाह का खौफ, जिस अल्लाह का गज़ब इतना बड़ा है कि नबी उसके सामने जाने से डरते हैं, क्या उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और की कायनात में इबादत की जा सकती? अब अल्लाह, मेरे भाइयों, गोया कि ऐसा आयतल कुर्सी को जब पढ़ो तो ऐसा महसूस होता है कि किसी बंदे ने अल्लाह ताला से सवाल किया है, ऐ अल्लाह मन रब्बुका मन अंता, ऐ अल्लाह तू कौन है? ऐसा महसूस होता है कि किसी बंदे ने अल्लाह से सवाल कर लिया, ऐ अल्लाह मन अंता तू कौन है, तो अपनी ज़ात का ज़रा इंट्रोडक्शन करा दे, तो अल्लाह कहता है अनल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इस तरह से अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं, क्या मेरे बंदे, मैं जिंदा हूँ और ज़मीन आसमान को कायम रखने वाला हूँ, ना मुझे ओंघ आती है ना नींद आती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और दलील दी अपनी तौहीद को साबित करने के लिए। क्या दलील है? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मन दल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फ़हुम। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन किसी नबी की या किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने जाकर के सिफारिश कर पाए। सवाल क्या, यहाँ से एक मसला क्या निकला कि अल्लाह को कैसे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन किसी नबी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने जाकर के सिफारिश कर सके? तो उस गलत फहमी का इजाला अल्लाह ताला ने किया। क्यों मालूम हुआ? यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फ़हुम, इसलिए मालूम हुआ कि अल्लाह को आगे की बातों का इल्म है और पीछे की बातों का इल्म है। मेरे भाइयों, आप हैरान हो जाएंगे अगर कुरान करीम की आयात की गहराइयों में आप उतरें तो एक से एक मौजज़ा, एक से एक एजाजी पहलू आपको नजर आएगा। एक आयत का दूसरी आयत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक आयत का दूसरी आयत से, मा सबक आयत का उससे पिछली आयत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और गौर करने वालों को उसमें एक लज्जत मिलती है, और ये दुनिया की सारी लज्जतों से आला लज्जत होती है।
जो कुरान करीम की आयतों में अल्लाह ताला की आयत में खो जाते हैं और उसमें तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, अल्लाह ताला आगे की बात को भी जानता है और पीछे की बात को भी जानता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है मेरे भाइयों। ये मोमिनों को खौफ दिलाने वाली आयत है कि अगर हम नेकियां भी करते हैं तभी अल्लाह ताला के इल्म है, हम गुनाह भी करते हैं तभी अल्लाह ताला के इल्म है, अल्लाह ताला आगे की बात भी जानता है। इसीलिए अल्लाह ने इंसानों की तकदीर को लिख दिया है, अल्लाह को आगे की बात का इल्म है इसीलिए अल्लाह ने इंसानों की तकदीर को लिख दिया, और अल्लाह पीछे की बात को भी जानता है इसीलिए अल्लाह अपने इल्म की बुनियाद पर बंदों का हिसाब लेगा, इसी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने बंदों का हिसाब लेगा। यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम, एक वाकया बताऊं मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के ताल्लुक से सलफ के जमाने में वाकया पेश आया। अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल हुज्जा में इस वाकये का तज़किरा फरमाया है। वो बयान फरमाते हैं कि एक दहरी आया, एक मुल्हिद आया, उसने लोगों को अल्लाह के बारे में शक डालना चाहा, लोगों के दिलों में शक पैदा करना चाहा, और मेरे भाई और दोस्तों उसने एक दावा किया कि तुम्हारा अल्लाह सिर्फ पैदा नहीं करता है, मेरे अंदर भी ऐसी सलाहियत है कि मैं भी पैदा कर सकता हूँ। हाजरीन ने चैलेंज कर दिया, अगर आप पैदा कर सकते हैं तो पैदा करके बताएं। तो कहा एक शीशी लाई जाए, अल्लामा तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकये का तज़किरा फरमाया, कहा एक शीशी लाई जाए। चुनांचे मेरे भाइयों शीशी लाई गई, और उसने शीशी लाने के बाद कहा गोश्त के टुकड़े लाए जाएं और मिट्टी लाए जाएं, मिट्टी लाया गया, गोश्त के टुकड़े उसने उसमें डाल दिया और कहा तीन दिन के बाद ये शीशी मेरे हवाले की जाए। तीन दिन के बाद जब वो कारूरा वो शीशी हवाले किया गया तो उसमें कीड़े निकलने लगे, बहुत सारे कीड़े रेंगने लगे। कहा देखो मैंने भी पैदा कर दिया, कहा देखो मैंने भी पैदा कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों हाजरीन में से किसी ने कहा तू ये बता अगर तूने इसको पैदा किया है तो जो पैदा करता है वो जानता है कि इसमें मुजक्कर कितने हैं, मोनस कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इनकी उम्र क्या होगी, इनकी रोजियां क्या होगी, ये खाएंगे क्या, ये सारी चीजें बता। फबूही तल्लदी कफर, तो काफिर हैरान मुसद्दर रह गया, काफिर हैरान मुसद्दर रह गया और मेरे भाई वो नाकाम हो गया, लाजवाब हो गया वो। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम, अल्लाह ताला आगे की बात भी जानता है और पीछे की बात भी जानता है। क्यों जानता है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और वो पैदा किया है तो वो ना जाने, जो पैदा करता है लोगों को उनकी हकीकतों से वाकिफ होता है, अल्लाह ने पैदा किया है इसीलिए अल्लाह ताला सारी चीज़ों के बारे में जानता है। उसके बाद मेरे भाइयों एक और दलील अल्लाह ताला ने दी, वो क्या है, यालमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी। बड़ी आला दलील है, क्या बयान फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के इल्म का इहाता, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, उसके इल्म का इहाता कोई कर ही नहीं सकता है, अल्लाह के इल्म का इहाता दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। क्या मतलब? इस आयत करीमा का मतलब मुफस्सिरीन ने दो तरह से बयान फरमाया, एक तो मेरे भाइयों अल्लाह का इल्म इतना ज़्यादा है, अल्लाह का इल्म इतना कुशादा है, अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि बंदे उस इल्म की इंतहा को पहुँच ही नहीं सकते हैं, अल्लाह के इल्म का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। और अगर इस मफहूम को हमें समझना हो तो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें मिलता है कि उन्होंने तफसील से समझाया था कि एक समंदर है, समंदर में एक परिंदा आता है और वहाँ अपना चोंच मारता है, तो चोंच में जो थोड़ा सा पानी आता है, एक कतरा आता है पानी का, वो बंदों का इल्म है और पूरा समंदर अल्लाह का इल्म है। तो एक मतलब तो उलमा ने बयान फरमाया कि अल्लाह के इल्म का इहाता दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है, एक मतलब ये मेरे भाइयों अल्लाह के इल्म से मुराद अल्लाह के मालूमात का इहाता, यानी अल्लाह ताला के ज़ात का इहाता, अल्लाह की ज़ात कैसी है, उसकी पकड़ कैसी है, उसकी ताकत कैसी है और उसके ज़ात के खुसूसियात और सिफात कैसे हैं, दुनिया में इस बारे में किसी को इल्म ही नहीं है मगर उतना जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है। अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने बताया हमारे पास दो हाथ हैं। अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ताला ने बताया हमारे पास दो आंखें हैं। अल्लाह ताला ने क्या बताया? हमारे पास पांच उंगलियां हैं। अल्लाह ताला ने क्या बताया? मेरे भाइयों मैं हंसता भी हूं। अल्लाह ताला ने ये बताया मैं बात भी करता हूं। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कलाम भी करता हूं। बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने अपने बारे में बता दी हैं। जितना हमें अल्लाह ताला ने बता दिया है उतना ही हम अल्लाह के बारे में जानते हैं। और ये अहलुस सुन्ना वल जमाअ का, अहलुल हदीस का अकीदा है, जो चीजें अल्लाह ताला ने अपने बारे में साबित कर दी हैं हम उसको मिन्नो अन वैसे मानते हैं, उसमें जर्रा बराबर तावील नहीं करते हैं। अल्लाह के पास हाथ है, हमारा अकीदा कि अल्लाह के पास हाथ है, लेकिन वो अल्लाह की शान के लायक है। नऊद बिल्ला सुमन नऊद बिल्ला मिंदारिक, अल्लाह के हाथ को हम बंदों के हाथ पर कयास नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने लिए साबित किया है कि मेरे पास मेरे भाई और दोस्तों दो आंखें हैं। हम मानते हैं कि अल्लाह ताला के पास दो आंखें हैं लेकिन वो अल्लाह की शान के लायक हैं। नऊद बिल्ला सुमन नऊद बिल्ला मिंदारिक, हम अल्लाह की आँख को बंदों की आँख की तरह से नहीं मानते हैं। जैसे बहुत सारे फिरके ये दावा करके अल्लाह ताला के हाथ का, अल्लाह के पैर का भी इनकार करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला के मेरे भाई और दोस्तों एक मादूम शय बना देते हैं, गोया कि अल्लाह ताला की कोई हैसियत ही नहीं, अल्लाह ताला का कोई वजूद, अल्लाह ताला का एक वजूद है,
और उस वजूद के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है, और वजूद के जितने भी हिस्से अल्लाह ताला ने बताए हैं, अल्लाह ने अपने लिए चेहरे को भी साबित किया है, हम अल्लाह के लिए चेहरे को भी मानते हैं। अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कल कयामत के दिन, ऐ मोमिनों तुम मेरा दीदार करोगे, मेरा दीदार करोगे। सारे मोमिनीन कल कयामत के दिन अल्लाह ताला की दीदार करेंगे, खास तौर से जुमा के दिन हर मुसलमान अल्लाह ताला का दीदार करेगा। अल्लाह ताला अपने अर्श को, अपनी कुर्सी को हुक्म देंगे, कुर्सी आएगी एक जगह, कयाम फरमाएगी, अल्लाह ताला उस पर जलवा फरोज होंगे, मुस्तवी होंगे, और सारे जन्नती अल्लाह ताला के दीदार करेंगे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। तो ये सारी बातें जो अल्लाह के बारे में हमें बताई गई हैं, हमारा उस पर यकीन है, हमारा उस पर ईमान है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी, अल्लाह ताला के बारे में तुम कुछ भी नहीं जान सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने बता दिया है, मगर उतना जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है। मेरे भाइयों, आप देखिए, एक है अल्लाह का इल्म, एक है बंदों का इल्म। आप मुकाबला कीजिए थोड़ा सा तत्बीकी दुनिया में जा करके, एक है अल्लाह का इल्म, एक है बंदों का इल्म। अल्लाह का इल्म इंतहाई कुशादा है, वमा ऊती तो मिनल इल्म इल्ला क़लीला, और बंदों का इल्म इंतहाई मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर इल्म अल्लाह ताला ने दिया है। मेरे भाइयों, आप देखिए बंदे इल्म के मामले में कितने महदूद, कितने लाचार हैं कि अल्लाह, एक मिसाल आपके सामने देता हूँ, अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा किया, दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है, लेकिन कायनात में किसी को नहीं पता कि दज्जाल कहाँ है। ये बंदों का इल्म, ये बंदों का इल्म है, दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को पैदा किया, याजूज माजूज इसी ज़मीन में है, लेकिन बंदों का इल्म नहीं है। कितने भी साइंसी इंकशाफात कर लिए जाएं, तरक्की के आला से आला मनाजिल तय कर लिए जाएं, तब भी लोग अपने उस इल्म के जरिया से इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते कि दज्जाल को तलाश कर लें और याजूज माजूज को तलाश कर लें, या वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बताई इंसान के नज़रों से उजल हैं वो तलाश कर लें। बंदों का इल्म, तो मेरे भाई, अल्लाह का इल्म लामहदूद है, बंदों का इल्म इंतहाई मुख्तसर है, और कुरान करीम की आयत करीमा इस बारे में हमारे सामने वजाहत करती है। तो जिस अल्लाह का इल्म इतना कुशादा हो, इतना बड़ा हो, क्या उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत की जा सकती है, किसी और की इबादत की जा सकती है? ये मेरे भाई, अल्लाह ताला ने एक दलील दी है अपने तौहीद को साबित करने के लिए। उसके बाद अल्लाह ने इल्ला बिमा शा, मगर जो अल्लाह चाहे, यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत को साबित किया है, और ये बताने की अल्लाह रब, ये अल्लाह ताला ने ये बताया है कि कायनात में जो कुछ भी होता है सब अल्लाह ताला की मशीयत से, अल्लाह की मर्जी से होता है। मेरे भाइयों, ये आयत करीमा ऐसी आयत करीमा है कि अल्लाह की कसम, दिल से हमारा इस पर यकीन हो जाए तो मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े टेंशन, दुनिया के बड़े से बड़े गम, दुनिया के सारे चैलेंजेस को हम फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर यकीनी मानों में इस आयत करीमा पर हमारा ईमान हो जाए, ईकान हो जाए कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, सब कुछ अल्लाह ताला। इबन क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये नकल फरमाया कि 400 से ज़्यादा आयात कुरान करीम में ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि कायनात में जो चीज़ होती है सब अल्लाह की मशीयत से होती है। 400 से ज़्यादा आयत अल्लाह ने बयान फरमाया, यह बोले मैशा विनाथा और यह बोले मैशा उज़्ज़ुकुर, अल्लाह ताला जिसको चाहता है मर्द देता है, जिसको चाहता है औरत देता है, यानी चाहता है जिसको, अल्लाह की चाहत चल रही है, जिसको चाह रहा है मर्द दे रहा है, जिसको चाह रहा है औरत दे रहा है। युनफिकु कैफा यशा, अल्लाह ताला जैसा चाहता है खर्च करता है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वो जो अल्लाह ताला चाहे। आप पढ़ते जाइए मेरे भाइयों, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको तू चाहे इज्जत दे दे, जिसको तू चाहे जिल्लत दे दे। जगह जगह अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत का, अपनी चाहत का जिक्र किया है, और ये बताया बंदों के सामने कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, मेरी चाहत से होता है, दुनिया में किसी की मर्जी नहीं चलती है। तो जिस अल्लाह की मर्जी इस कायनात में चले, जिस अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी ना हिले, हम हरकत में रहें, सुकून में रहें, सोएं बैठें जागें, सब अल्लाह ताला की मशीयत से हो, तो उस अल्लाह को छोड़ करके क्या किसी और की इबादत की जा सकती है? नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में उस अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, उस अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसलिए कि भाइयों, उस अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता है, और कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की मशीयत चलती है। एक बात और अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इल्ला बिमाशा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की जो कुर्सी है वो जमीन और आसमान को फैली हुई। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं मेरे भाइयों, आप ये बताइए कुर्सी का क्या मतलब है? आप लोगों को मालूम है? किसी भाई को भी मालूम है तो बता सकते हैं कुर्सी का मतलब क्या है। अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की कुर्सी जमीन और आसमान को फैली हुई है, पूरी जमीन पूरी आसमान को फैली हुई, कुर्सी का मतलब क्या है किसी को मालूम है? मेरे भाइयों, आयतल कुर्सी दिन में तकरीबन 8 मरतबा पढ़ते हैं, सुबह के अस्कार में, शाम के अस्कार में, इसी तरह से रात के सोते वक्त और 5 वक्ता नमाजों के बाद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो 8 मरतबा पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमने इस पर भी गौर किया कि वसिअ कुर्सियुहु समावात में कुर्सी का मतलब क्या है? कुर्सी का ये भी एक मतलब है जो मुफस्सिरीन बयान फरमाया, लेकिन ये सही मतलब नहीं। जज़ाकअल्लाह खैरा।
मेरे भाइयों कुर्सी का असल मतलब है वसिया कुर्सिगुह समावात। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह, बहुत सारी तावीलातें लोगों ने इस आयत करीमा के बारे में की हैं, लेकिन सही कौल के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने नकल फरमाया कि कुर्सी से मुराद मौज़िउ क़दमाय रब, अल्लाह तआला के दोनों पैर रखने की जगह। अल्लाह तआला जहां अपना दोनों पैर रखते हैं उसी को अल्लाह तआला की कुर्सी बोला जाता है, अल्लाह ताला की कुर्सी बोला जाता है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने उस कुर्सी का तारुफ करते हुए बयान, बहुत सारे उलमा ने कहा वैसे आप कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म है, नहीं इल्म नहीं। सहाबा की जहां तफसीर आ गई वहां ना हमारे कयासे चल सकते हैं, ना हमारे आरा चल सकते हैं, ना हमारी राय चल सकती है। अब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की तफसीर है कुर्सी से मुराद अल्लाह ताला के दोनों पैर रखने की जगह है, हमारा ईमान है कि उस कुर्सी से मुराद यही। तो मेरे भाई और दोस्तों कुर्सी से मुराद मौज़िउ क़दमय रब, अल्लाह ताला के दोनों पैर रखने की जगह है। और इस कुर्सी की अजमत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ये कुर्सी इतनी अजीम है कि पूरी जमीन आसमान को फैली हुई है। और मेरे भाइयों एक सहाबी ने प्यारे नबी से सवाल किया कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत कौन सी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों आयतल कुर्सी का नाम लिया। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्सी पर पहुंचे तो सहाबी रसूल ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी का मतलब क्या है। तब मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कुर्सी का मतलब कुर्सी जमीन व आसमान के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक छोटा सा तिनका कोई ले ले और जमीन में फेंक दे। एक बड़ा चटियल मैदान हो, सहारा हो, उसमें एक छोटा सा तिनका फेंक दिया जाए तो उस तिनके की जमीन के मुकाबले में क्या हैसियत है। ऐसे ही पूरा जमीन, पूरा आसमान, सातों जमीन सातों आसमान को मिला लिया जाए तो ये कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे मेरे भाई और दोस्तों उस जमीन के मुकाबले में वो छोटा सा तिनका है। आप अंदाजा कर लीजिए कि अल्लाह ताला की कुर्सी कितनी अजीम है। ये तो अल्लाह ताला की कुर्सी है और जिस अर्श पर अल्लाह ताला मुस्तवी है जिसके बारे में कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो अर्श कुर्सी से भी बड़ा है, वो अर्श कुर्सी से भी बड़ा है। तो जिस अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी है, जिस अल्लाह का आसमान इतना बड़ा है और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी इतनी बड़ी है, उस अल्लाह ताला का अर्श इतना बड़ा है, तो मेरे भाई वो अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा, वो अल्लाह ताला की जात, वो अल्लाह ताला की जात कितनी अजमत वाली होगी और कितनी अजीम होगी। तो अल्लाह ताला ने कुर्सी का तज़किरा करके अपने मखलूक की अजमत का जिक्र किया और बंदों से मुतालबा किया तुम अपने खालिक की अजमत को याद करो। मखलूक की अजमत को बयान करके अल्लाह ताला ने अपनी जात की अजमत का बंदों के सामने तारुफ कराया और यह बयान फरमाया वसिया कुर्सिगुह समावाति वल्अर्द, अल्लाह ताला की कुर्सी जमीन और आसमान को फैली हुई, अल्लाह ताला की कुर्सी जहां अल्लाह ताला अपना पैर रखते हैं। इससे भी साबित होता मेरे भाइयों अल्लाह ताला के पास पैर है, जहां अल्लाह ताला ने अपने सिफात को या अपने लिए किसी आज़ा को साबित किया है हम अल्लाह ताला के लिए वैसे ही मानते हैं, उसमें ज़र्रा बराबर अहले बिदात की तरह से हम तावील नहीं करते हैं और अल्लाह ताला की सिफात के बारे में हम ज़र्रा बराबर तावील के कायल नहीं। तो वसे अकुर्सिगु समावाती वल्अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जमीन और आसमान की हिफाजत अल्लाह ताला करता है और अल्लाह को ये हिफाजत करना थकाती नहीं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला जमीन और आसमान की मुकम्मल निगरानी कर रहा है, एक एक सेकंड एक एक लम्हा कायनात का एक एक चप्पा अल्लाह ताला की निगरानी में चल रहा है और अल्लाह ताला को यह चीज जर्रा बराबर नहीं थकाती है। असल में यहूदियों का यकीदा है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को छह दिन में पैदा किया, अल्लाह ताला ने छह दिन में पैदा किया जमीन और आसमान को, और छह दिन में पैदा करके नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक को कहते हैं अल्लाह ताला थक गया। उसके बाद सातवें दिन शनिचर के दिन अल्लाह ताला आराम करने लगा, इसीलिए यहूदी शनिचर के दिन वो लोग अपना कौमी छुट्टी मनाते। मेरे भाई और दोस्तों वो कहते अल्लाह ताला थक गया आराम करने लगा, अल्लाह ताला ने उनके इसी अकीदे का रद्द फरमाया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह ताला जमीन व आसमान की हिफाजत करता है और ये हिफाजत करना उसको थकाती नहीं, अल्लाह ताला थकता नहीं। ये थकना इंसानों की सिफत है, अल्लाह की सिफत नहीं है, ये थकना एक नक्स है, अल्लाह ताला सारे नक्स से पाक है, ये थकना एक ऐब है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। तो मेरे भाइयों जिस अल्लाह को थकन ना आती हो, हालांकि जो अल्लाह पूरे आसमान पूरे ज़मीन की हिफाजत करता है उस अल्लाह को ज़र्रा बराबर थकन ना आती हो, क्या उस अल्लाह को छोड़ करके कायनात में किसी और की इबादत की जा सकती है। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह ताला अली है सबसे आला है और अल्लाह ताला अजीम है, उसकी ज़ात सबसे अजमत वाली है। मेरे भाइयों इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की उलू को, अली का मतलब होता बुलंद, अल्लाह ताला के बुलंदी को साबित करने के लिए कुरान करीम में 1000 आयतें हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि अल्लाह ताला अली है, अपनी ताकत के अतबार से, अपनी सल्तनत के अतबार से, अपनी ज़ात के अतबार से भी अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, मखलूकात से सबसे ज़्यादा बुलंद है। लेकिन उसके बाद 1000 आयतें मेरे भाइयों जो इस बात को साबित करती हैं कि अल्लाह ताला मखलूकात से बुलंद है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत इस बात को मानती है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह,
قرآن کریم کی کئی آیات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور قرآن کریم کی 1000 سے زیادہ آیتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے جدا ہے اور سب سے بلندی پر اللہ تعالیٰ ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے اللہ تعالیٰ کے علو ہونے کے قائل نہیں ہیں میرے بھائیو یہ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ اللہ تعالیٰ علی ہے وَهُوَ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ عظیم بھی عظیم ہے ہر چیز میں اپنے ذات میں عظیم ہے اپنے کام میں عظیم ہے اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں عظیم ہے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے جس اعتبار سے جڑتی ہیں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو آیت الکرسی کے حوالے سے میرے دماغ میں تھیں میں نے اپنے دامے درمے قدمے سخنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب عزیز میں اپنی کتاب مقدس میں تو خوب زیادہ غور و فکر کرنے والا تدبر کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ خاص طور سے آیت الکرسی میں ہمیں خوب زیادہ تدبر کرنے والا غور و فکر والا بنا اور اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی سے جو عبرتیں جو نصیحتیں جو پیغامات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اپنی عملی اور تطبیقی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہماری امت دن بدن قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قرآن کریم کی تدبر کرنے والا قرآن کریم میں تفکر کرنے والا اللہ تعالیٰ تیری آیتوں میں غور و فکر کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ انتہائی مضبوط فرما دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ انتہائی گہرا اور انتہائی مستحکم مضبوط فرما دے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی ہمارے توحید کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ تو ہماری عزت کی ہمارے آبرو کی ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں میرے مولا اس وقت ہمارے ملک ہمارے وطن کے حالات انتہائی خراب ہیں اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے مدارس کی ہمارے مساجد کی حفاظت فرما لے اے میرے رب ہمارے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے ناموس پر آپ کی عزت پر آپ کی عفت پر حملہ کیا گیا اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما ورنہ اے اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ان کو عبرت کا سامان بنا دے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا فرما دے اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کے دفاع کے لیے اپنے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے اللہ تعالیٰ تو ان دشمنوں کے لیے اکیلے کافی ہو جا اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ یہ مسلم قوم آج اس کے دلوں میں غیروں کا خوف ان دشمن طاقتوں کا خوف بسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ان ظالم اور دشمن قوتوں کا خوف نکال کر کے اے میرے رب ہم مسلم قوم کے اندر اپنا خوف اپنا ڈر پیدا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی راہوں پر دین کی راہوں پر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ چلنے والا بنا اللہ تعالیٰ دین و دنیا ہر معاملے میں ہمیں اپنا تقویٰ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارا معاش ہے تو ہمارے دنیا کی زندگی کی اصلاح فرما دے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے بعد ہم قبر میں جانے والے ہیں جہاں ہم سے سوال ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال میں تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دینا اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی کے بعد ہمیں حشر کے میدان میں جانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تجھے حساب دینا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کا حساب تو قیامت کے دن انتہائی آسان حساب لینا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں پولیس رات کے سفر سے بھی گزرنا ہے اللہ تعالیٰ پولیس رات کے سفر میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دینا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تو لوگوں کے ہاتھوں میں نام اعمال دینا تو ہم مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں میں جب نام اعمال دینا تو اللہ تعالیٰ ہمارے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دینا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تو سارے مسلمانوں کے بارے میں جنت میں دخول کا ارادہ فرمانا تو اے میرے رب ہم سارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جنت الفردوس میں دخول کا ارادہ فرمانا آمین تقبل یا رب العالمین